वेलकम टू अन अकेडमी। सो फ्रेंड्स, सबको ऑडियो वीडियो स्लाइड क्लियर है? ऑडियो वीडियो स्लाइड सबको क्लियर है? एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, चलो तो सबको ऑडियो वीडियो एंड स्लाइड क्लियर है ना? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके यूनिट 3 के साथ रिलेटेड है। हेलो अमित, हाँ, एंड हम लोग NTUGC नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग का टारगेट है JRS अचीव करना। सब्जेक्ट है एजुकेशन पेपर 2 एंड टुडेज टॉपिक इज डीलिंग विथ योर यूनिट 3। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑडियो प्रॉब्लम है, सबको ऑडियो वीडियो स्लाइड क्लियर है? ऑडियो वीडियो स्लाइड, अच्छा कैसा प्रॉब्लम है हमें? हेलो सोनू, साउंड कम है? अच्छा अभी ठीक है, सबको ऑडियो वीडियो स्लाइड सब कुछ क्लियर है अभी? अच्छा, अभी क्लियर हो गया। ओके, गुड आफ्टरनून नासिफा, गुड आफ्टरनून सोनू, गुड आफ्टरनून एवरीवन, साइका। ओके, साउंड अभी भी कम है? अभी क्लियर है? ओके चलो, तो अभी सबको क्लियर हो गया साउंड? ओके, वेरी गुड। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसका कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आज अच्छे से, ठीक है। 10 मिनट्स में हम लोग खत्म कर देंगे अपना डिस्कशन। तो ये देखो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अन अकेडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग अभी 31st से पहले पहले ले लोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। ओके देन, गुड आफ्टरनून समीर। ओके, तो 6 मंथ्स का लेने से 2 एक्स्ट्रा मंथ्स आप लोगों को मिल रहा है, मतलब 8 मंथ्स का मिल जाएगा। एंड 12 मंथ्स का लेने पर भी आपको 2 एक्स्ट्रा मंथ्स मिल रहा है, मतलब 14 मंथ्स का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफर अवेलेबल है 31st जुलाई तक। एंड अगर आप अनुकंपा लाइव कोड डालोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन के इसमें रेट में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप जो अन अकेडमी के क्लासेस देखते हो या कुछ भी अटेंड करते हो तो आपके पास क्रेडिट भी होगा एंड उससे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो टोटल 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। इस कोड को अप्लाई करो, 10% इससे आ जाएगा। एंड बाकी उसके साथ 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा भी आपको मिल रहा है, ठीक है। एंड मेरा भी प्लस क्लोज कोर्स वहाँ पे चल रहा है। हम लोग यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक कंप्लीट कोर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी चल रहा है कोर्स, चलो। एंड क्या क्या मिलता है अन अकेडमी पे? यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हर एक यूनिट हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाता है। लाइव टेस्ट आप लोग दे सकते हो, लाइव क्विजेस अटेंड कर सकते हो एंड जितना मर्जी जब मर्जी वीडियो देख सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस आप लोग कर सकते हो, रिकॉर्डेड भी मिलते हैं, PDF भी अवेलेबल होते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम, ये नाम आप लोग सर्च करो एंड ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। ओके, एंड जल्दी जल्दी आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड लोगों के साथ, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये नेट के हिसाब से तो है ही, उसके साथ आपका BEd एग्जाम, DLED एग्जाम, CTET, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो शेयर कर दो, वो लोग भी आके क्लास को देख सकेंगे। एंड सब्सक्राइब तो करके रखा होगा चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करके रख देना, ठीक है। गुड इवनिंग निष्ठा। चलो फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये किसने दिया था, ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ना, ZPD, इनका शॉर्ट फॉर्म ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये किसने दिया है? विगोत्स्की ने दिया है, ठीक है। विगोत्स्की ने दिया है इनको। एंड इनका थ्योरी आपके जो एजुकेशन सिलेबस के हिसाब से यूनिट 3 के
डी सी पोर्शन में, यूनिट 3 के सी पोर्शन में आपको सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ना है, उसमें से एक थ्योरी इनका भी है, ठीक है। यस, सोशल लर्निंग थ्योरी, यस, वेरी गुड निष्ठा, लेव विगोत्स्की ने दिया है इसको, यस, गुड आफ्टरनून पूनम, हाँ, वेरी गुड सोनू। तो इनका मेन फोकस क्या है, नाम से ही क्लियर है, ये सोशल लर्निंग थ्योरी है। तो चलो हम लोग देखते हैं, लेव विगोत्स्की जो थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, रशिया के थे ये, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था सोशल सेटिंग पे, मतलब इनका ये मानना है कि बच्चे को ना, अगर हम बच्चे को अच्छे से क्या करना चाहिए, एक एनवायरमेंट देना चाहिए उनको, ठीक है, बच्चे हमेशा अपने सोसाइटी से सीखेंगे, तो उनको ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो खुद से सीख पाए, ठीक है, उन्होंने ये बोला था। फिर एम्फेसाइज ऑन प्रायोर नॉलेज, देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच जिसका नाम है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। तो ये जो विगोत्स्की है, इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को फॉलो किया है, मतलब इनका ये मानना है कि कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच क्या होता है, ये चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच होते हैं, चाइल्ड सेंट्रिक होते हैं। इसका मीनिंग ये है कि बच्चे क्या करते हैं, चाइल्ड बच्चे अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच क्या होता है, बच्चे अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। गुड इवनिंग अर्चना, गुड इवनिंग प्रियंका, ओके। तो इन्होंने ये बोला है, इन्होंने सपोर्ट किया है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। एंड कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपना नॉलेज खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे, उनके पास जो प्रीवियस नॉलेज है उनके बेसिस पे वो न्यू नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो विगोत्स्की के साथ इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सुनो, इन्होंने इनके थ्योरी को सोशल लर्निंग थ्योरी बोला जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इन्होंने, एंड उसके साथ साथ कोऑपरेटिव लर्निंग को, जो हम बच्चे क्या करते हैं, उनके फ्रेंड्स लोगों को कोऑपरेट करके, अगर किसी को कुछ एक किसी में प्रॉब्लम है तो उनका फ्रेंड्स आके उनको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो विगोत्स्की ने बोला है कि हमें हमेशा बच्चे को ना कोऑपरेट करके सीखने के लिए देना चाहिए, उसको ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करो जहाँ पे वो लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके सीख पाए, ठीक है, एंड उनके पास जो प्रीवियस नॉलेज है उनके बेसिस पे न्यू नॉलेज वो लोग खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इन्होंने चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच पे अप्रोच को फॉलो किया है। फिर इन्होंने बोला है बच्चे क्या करते हैं ना, सोशल सेटिंग, फैमिली बैकग्राउंड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चिल्ड्रन के लर्निंग में, ठीक है, ये भी बोला है। चलो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बातिस जेड पी डी, ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट रुको। हेलो रेखा, हेलो झुमा, हाँ, जेड पी डी क्या होगा, सुनो, अभी ठीक है, एट प्रेजेंट, गुड इवनिंग प्रणति, एट प्रेजेंट क्या है, मानो कि आपके पास इतना नॉलेज है, ठीक है, आज तक हम लोग जितना भी जानते हैं, मानो कि हम लोग इतना जानते हैं, ठीक है, हम लोग का नॉलेज का स्ट्रक्चर इतना है, ये जो मैंने ब्लू करके दिया है ना, आपका ये नॉलेज का स्ट्रक्चर, इतना हम लोग के पास नॉलेज है, ठीक है। अभी जो ये क्लास आप लोग कर रहे हो, ये क्लास जो कर रहे हो, उसके बाद कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आपका जो नॉलेज का लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है नॉलेज का स्ट्रक्चर, यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों के पास जितना भी नॉलेज होता है वो नॉलेज कब कैसे बढ़ सकते हैं, जब हम लोगों को कोई या तो टीचर ने हमें कुछ सिखाया, या फिर पेरेंट्स से कुछ हम लोगों ने सीखा, या फिर किसी ने भी हमें गाइड प्रोवाइड किया होगा, या फिर अपने फ्रेंड लोगों से भी सीखा होगा, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से हम लोगों ने कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी सीखा, न्यू लर्निंग हम लोगों के अंदर हुआ, तो क्या होगा, आपका नॉलेज का स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। पहले अगर इतना था तो अभी बढ़ के इतना हो गया, ठीक है, लेकिन क्या एक ही दिन में पूरा जितना भी इस दुनिया में जितने भी नॉलेज है, क्या हम लोग एक ही दिन में या दो दिन में या दस दिन में हर तरीके का नॉलेज कवर कर सकते हैं? ये जो पहले आपके पास इतना नॉलेज था, फिर किसी ने आपको थोड़ा कुछ सिखाया, ठीक है, आप में लर्निंग हुई, तो आपका जो नॉलेज स्ट्रक्चर है वो बढ़ गया, अभी ये जो सेकेंड सर्कल है वो आपका बढ़ गया, इतना बढ़ गया, लेकिन फिर भी
आपके इस दुनिया में जितने भी नॉलेज है हम लोग एक या दो दिन में तो नहीं ले सकते हैं, मतलब और भी बाकी है। ये जो बाहर का सर्कल है ये क्या है, मतलब और भी नॉलेज है जो हमें लेना है आगे जाके जाके, ठीक है। तो देखो, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ये है आपका नॉलेज का स्ट्रक्चर, मतलब अभी आज तक अभी तक आपको जितना मालूम है, जितना नॉलेज है आपके पास, ये है वो, ठीक है। अभी क्लास करने के बाद आपका नॉलेज थोड़ा बढ़ जाएगा, तो आपका नॉलेज थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। तो दोनों सर्कल में, दो सर्कल हमें मिला है ना, एक ये अंदर का जो सर्कल है जो हम लोगों ने कलर करके रख दिया, एंड एक ये बाहर का सर्कल, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, इतना सा डिफरेंस है। ये जो बाहर का सर्कल जितना है इतना डिफरेंस है। मानो कि आपको पहले आया था 1 2 3 4 5, आपको इतना तक ही पता था, आज किसी ने आपको सिखा दिया 6 एंड 7, ठीक है। तो अभी आपको क्या आ गया, 1 1 2 3 4 5 6 7, आपको इतना आ गया, मतलब आपके पास नॉलेज कितना बढ़ गया, इतना सा नॉलेज बढ़ गया, ये न्यू नॉलेज है आपके पास, ठीक है। तो जितना आपका जो ये नॉलेज बढ़ गया ना, इसको बोला जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि ये डिफरेंस को बताते हैं कि आपके पास पहले कितना नॉलेज था, एंड किसी के किसी ने हेल्प करने के किसी ने आपको हेल्प किया जिसके वजह से आपका नॉलेज बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ठीक है। ये जो डिफरेंस है, अभी जो न्यू नॉलेज है एंड जो आपके पास नॉलेज था, उन दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझ में आ गया, उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे अगर आपको पहले 1 2 3 4 5 तक आते थे, अभी किसी ने आपको 6 एंड 7 भी सिखा दिया, तो आपको अभी 6 एंड 7 ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो नॉलेज आपने ऐड किया, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, तो ये है जो अंदर का सर्कल है, मतलब एट प्रेजेंट अभी हम लोगों के पास जो नॉलेज है वो अंदर का सर्कल है, जो ब्लैक कलर से मैंने दे दिया है। तो इसमें लिखा है आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ, मतलब मैं इतना तक खुद से कर सकता हूँ, मतलब आपके पास, आपके अंदर इतना एबिलिटी है, आपके पास ये नॉलेज ऑलरेडी है, ठीक है। तो आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ, मतलब इतना नॉलेज आपके पास अभी है, ठीक है। फिर किसी ने आपको हेल्प किया, कुछ एक्स्ट्रा सिखाया, तो आपका नॉलेज बढ़ गया, जितना बढ़ गया ना, वो येलो कलर से मैंने दिया है, देखा है ये जो यहाँ पे लाइट येलो कलर से जो दिया है, ये है इतना पोर्शन हम लोगों का बढ़ गया, ठीक है। एंड जितना बढ़ जाता है ना, वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि अभी जो आपके पास न्यू नॉलेज है एंड जो पुराना नॉलेज था, दोनों में कितना डिफरेंस है, तो दोनों में इतना ही तो डिफरेंस है, इतना बढ़ गया ना, तो इतना ही, तो यही तो डिफरेंस वाला है जो येलो वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इस येलो वाला पोर्शन को बोला जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्लियर हो रहा है। एंड फिर भी ये बाहर के सर्कल क्या है, ब्लू वाला क्या है, कि इस दुनिया में बहुत सारे नॉलेज है, एक ही दिन में हम लोग हर तरीके का नॉलेज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बाहर का नॉलेज क्या है, कि अभी भी ऐसा कोई नॉलेज है जो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आई कैन नॉट डू इट, मतलब अभी भी ऐसा नॉलेज है जो मुझे, मैंने अभी तक नहीं सीखा है, मुझे ये भी सीखना होगा आगे जाके, ठीक है। हाँ, वेरी गुड सोनू, ओके, क्लियर हो गया। तो ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट उस डिफरेंस को बताते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन लर्न अनएडेड। अनएडेड का मीनिंग होता है विदाउट एनी वंस हेल्प, ठीक है, विदाउट एनी वंस हेल्प, किसी के भी हेल्प ना लेके, एनी वंस हेल्प, किसी का भी विदाउट किसी का भी हेल्प नहीं लेके, मतलब अभी इनके पास जितना नॉलेज है, ठीक है। एंड किसी का हेल्प अगर ले लेते हैं, किसी का अगर हेल्प ले लेते हैं, तो उनका नॉलेज बढ़ गया, ठीक है। तो यही होता है, जितना बढ़ गया ना, वही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन लर्न विदाउट एनी वंस हेल्प एंड व्हाट ही और शी कैन डू विद द हेल्प ऑफ अदर्स, ठीक है। अभी जितना वो एक्स्ट्रा अभी कर पा रहा है किसी के हेल्प के वजह से, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्लियर हो गया। गुड इवनिंग मृत्युंजय, क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू द चाइल्ड कैपेसिटी टू लर्न,
ठीक है। देखो अभी आपके पास इतना नॉलेज है, अभी आपके पास इतना नॉलेज है, ठीक है। अभी ये क्लास सब लोग अटेंड कर रहे हो, ठीक है, सब लोगों के पास कुछ ना कुछ नॉलेज है, अभी सब लोग ये क्लास अटेंड कर रहे हो, लेकिन क्या होता है हम लोगों के कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि इस क्लास से कोई कोई लोग थोड़ा बहुत सीख पाएंगे, कोई कोई लोग थोड़ा ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा सीख पाओगे आपका जो सेकेंड सर्कल है वो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो ये बोला गया कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू द चाइल्ड कैपेसिटी टू लर्न, आपके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप न्यू नॉलेज कितना ले सकते हो। कोई कोई लोग कम करके ले सकते हैं, कोई कोई लोग ज़्यादा करके ले सकते हैं, ये कैपेसिटी के, बच्चे के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को टोपोलॉजी कहते हैं, यहाँ पे टोपोलॉजी का कंसेप्ट नहीं लाते हैं हम लोग समीर, टोपोलॉजी का कंसेप्ट उसमें जो अब हम लोग का लाइफ स्पेस था ना लिविन, कार्ट लिविन के थ्योरी में उन्होंने बोला था, ठीक है। हाँ तो और दो टर्म इंपॉर्टेंट है इसके साथ, बाकी तो खत्म ही हो गया। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सबको क्लियर हुआ एक बार बता दो, एंड फिर इसमें जो जो ये हाँ जो ये किसी ने हमें गाइड किया या फिर किसी ने हमें सजेशन दिया या फिर कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जिसके वजह से हम लोगों के अंदर जितना नॉलेज था वो बढ़ गया, ठीक है। हम लोगों के अंदर जितना नॉलेज था वो कैसे बढ़ा, किसी ने हमें हेल्प किया, किसी ने हमें गाइड प्रोवाइड किया, किसी ने हमें सजेशन दिया, कुछ रिसोर्सेज दिया, ठीक है। जो भी इन्होंने दिया ना हमें हेल्प करने के लिए, जो भी उन्होंने दिया है वो होता है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग गाइडेंस एंड सजेशन इन रिलेशन टू स्पेसिफिक टास्क और एक्शन। मतलब किसी से कुछ मिला है ना हमें जिसके वजह से हम लोगों का अंदर जो नॉलेज है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो जिससे वो जो भी मिला है जिसके वजह से नॉलेज बढ़ा है तो उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। कहाँ से प्रियंका, वो एक अलग है, वो तो हर एक बिहेवियरिज्म ने ये माना है ना कि हम लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, एनवायरमेंट से सीखते हैं, ठीक है। हाँ ये एक आपका सोशल लर्निंग थ्योरी है, इन्होंने बोला है कि इनका कंसेप्ट ही अलग है, इन्होंने इसका एक नाम दे दिया कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये बाकी लोगों ने नहीं दिया है। बाकी तो लर्निंग थ्योरी में थोड़ा बहुत ऐसा सब में सिमिलरिटीज होगा कि हम लोग न्यू कुछ सीखते हैं, सबका तो यही है, ठीक है। कोई कोई बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं एनवायरमेंट से सीखते हैं, कोई कोई बोलते हैं हम लोग अपना कॉग्निशन यूज करके सीखते हैं, कोई कोई बोलते हैं सोसाइटी से सीखते हैं, ठीक है। तो इनका जो थ्योरी है वो सोशल लर्निंग थ्योरी में आते हैं, ठीक है, ओके। तो फिर एंड और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये MKO, MKO का मीनिंग होता है मोर नॉलेजेबल अदर। इसका मीनिंग क्या है, मतलब जिन्होंने आपको हेल्प किया उसको बोला जाता है MKO, ठीक है। जिन्होंने आपको हेल्प किया उसको बोला जाता है MKO, मतलब उनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है इसीलिए तो उन्होंने आपको सिखाया कुछ, ठीक है। तो वो जो गाइड है या टीचर है या कोई भी हो सकता है जिन्होंने आपको लर्निंग प्रोसेस में सपोर्ट किया, हेल्प किया न्यू नॉलेज लेने में, तो उसको बोला जाता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। तो सुनो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार सुन लो। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो विगोत्स्की है, लेव विगोत्स्की, तो उन्होंने दिया है सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा समीर, लेकिन और हमें बहुत जगह से मिल सकते हैं, है ना, नॉलेज। तो देखो लेव विगोत्स्की ने दिया है ये सोशल लर्निंग थ्योरी, एंड इनके थ्योरी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बहुत जगह पे पूछा जाता है, उसके साथ साथ आपका है स्कैफोल्डिंग, ठीक है, स्कैफोल्डिंग हम लोगों ने पढ़ा, एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा MKO, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट उस डिफरेंस को बताते हैं, मतलब हम लोग के पास जितना नॉलेज है किसी के हेल्प मिलने के वजह से नॉलेज जितना बढ़ जाता है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग है जो जैसे अगर मुझसे आप लोगों ने कुछ सीखा है तो मैंने आपको क्या दिया, कुछ कुछ बुक से कुछ पढ़ाया होगा, कुछ रिसोर्सेस आप लोगों को दिया होगा, ठीक है। मतलब जो कुछ भी दे के आप लोगों का नॉलेज बढ़ाया है वो होता है स्कैफोल्डिंग।
आपको जिस तरीके से गाइडेंस दिया गया, या तो बुक दिया या तो नोट्स दिया या तो कुछ दिया, ठीक है, जिस तरीके से आपका नॉलेज बढ़ाया गया वो है स्कैफोल्डिंग, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो किसी भी तरीके का गाइडेंस या रिसोर्सेज जो भी है जिसके जरिए आपका नॉलेज बढ़ा है तो वो है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। एंड MKO जिसके वजह से बढ़ा है, किसने किसने हेल्प किया आपको बढ़ाने के लिए, तो आपके ये बढ़ाने में हेल्प किया है आपके टीचर या फिर आपके गाइड या फिर आपके फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, तो उसको बोला जाता है मोर नॉलेजेबल अदर, उसके पास ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। अच्छा सहरी, नहीं मुझे भी बहुत कुछ सीखना है अभी, ठीक है। अच्छा तो हो गया क्लियर, ये सब कुछ इनका ही है प्रियंका, ये सब कुछ ये विगोत्स्की का ही है सब कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग 5:30 पे मिलते हैं, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनोवा, ठीक है। ये क्लास अभी ये पे खत्म करेंगे, ये है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप ये सर्च करके, ठीक है, ओके। तो क्रैक NTA UGC नेट अपलिंक JRF इन एडुकेशन, ये आप लोग सर्च करके, नेक्स्ट हम लोग अभी मिलते हैं 5:30 पे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ में आया है, तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना, वो लोग भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, मिलते हैं हम लोग 5:30 पे। तो आज अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा सबको क्लियर हो गया, तो इसी तरीके से हार्ड वर्क करो, साथ साथ स्मार्ट वर्क करो, तभी सबको सक्सेस मिलना है, ठीक है। मिलते हैं अभी हम लोग 5:30 PM पे, उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनोवा, ठीक है।